नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत यादव द हिकेटियस अकेडमी बहरोड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछली क्लास हम लोगों ने ट्रायंगल्स की ली थी, आकृतियां गिनने से संबंधित चर्चा चल रही थी और उसमें फर्स्ट टॉपिक आया था अपना हाउ टू काउंट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और किसी छिपे हुए ट्रायंगल्स को किसी भी दी हुई आकृति में कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को, कोई भी बड़ी आकृति आपको ट्रायंगल की दी जाएगी, उसके अंदर छिपे हुए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जितने भी होंगे वो हमें ज्ञात करने होते हैं। तो उसमें मैंने आपको चार टाइप समझाए थे। पहला ये कि यदि एक ही आधार को अनेक भागों में बांटा जाता है तो उसको किस प्रकार से हल करना है। दूसरा ये कि यदि वर्ग में ट्रायंगल्स पूछे जाए, भाई ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल्स पूछ रहा था, चलो बहुत बढ़िया बात है, हमने देख लिया था आधारों में किस प्रकार से बांटा गया है और काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी, एक से लेकर जितने भी आधारों में उसको बांटा गया था उन काउंटिंग को लास्ट में ऐड कर देते और जो ऐड करने के बाद, योग करने के बाद, उनका सम करने के बाद जो भी आता था वो अपना राइट आंसर होता था। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने वर्ग में देखा। वर्ग में मैंने बताया कि यदि किसी वर्ग को त्रिभुजों में बांट दिया जाता है तो जितने भी दिखने वाले ट्रायंगल्स होते हैं उनकी नंबरिंग कर लेते हैं और जो मैक्सिमम नंबरिंग आती है उसका डबल करके जो भी आता है वही अपना राइट आंसर कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई ठीक है, इतना तो हो गया, और भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स किस प्रकार से निकाले, तो एक टाइप अपना बचा हुआ ये फिफ्थ टाइप, जो जितने भी मैक्सिमम टाइप होंगे वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं हम आप लोगों को। तो ये जो फिफ्थ टाइप है इसमें क्या होता है बच्चों कि यहां पर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल यदि दे दिया जाए तो उसको किस प्रकार से हल करना है। इन सभी चीजों के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो यहां पर भी हम देखेंगे कि कौन सी ट्रिक यहां पर काम आएगी। यदि किसी भी त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज दे दिया जाए तो उसको किस प्रकार से निकालें कि भाई अब इसमें कितने ट्रायंगल्स बन चुके हैं, तो उस पर आज चर्चा करेंगे। और उसके बाद ये चार क्वेश्चन करने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, पांच प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं जो अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग तरीके से होंगे, और कुछ एक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एसएससी भी रिपीट करती है काफ़ी बार, दिल्ली पुलिस में भी आ चुके हैं, तो यहाँ पर उनकी भी चर्चा करेंगे इस टॉपिक को करने के बाद। देखिए बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ पहले नंबर की, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ट्रायंगल तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज दे दिया तो अब ये पूछेगा कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो यहां एक, दो, तीन और चार ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहां पे ये जो चार ट्रायंगल है ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं एक बड़े ट्रायंगल की, तो आपको ये वाला ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं चार प्लस एक बराबर कितने हुए भाई, पांच ट्रायंगल्स आ गए। तो अपना राइट आंसर इसका हो गया पांच, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं, हिडन ट्रायंगल्स कितने हैं भाई, फाइव ट्रायंगल्स हैं। कुल मिला के पांच ट्रायंगल जैसे ही हमें मिले, तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकला है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जब कभी भी एक बड़े त्रिभुज के अंदर जितने भी छोटे त्रिभुज आते हैं या एक और त्रिभुज आता है तो वो अपने साथ चार अन्य त्रिभुजों को लेकर आता है। तो जब भी कभी एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज आएगा तो वो अपने साथ चार अन्य त्रिभुजों को लेकर आएगा। तो जैसे ही चार लेकर आएगा, ये चार तो वो हो गए, प्लस में जिसके अंदर चार आए हैं उसको भी तो लिखना पड़ेगा भाई। तो चार प्लस एक कितना हो गया भाई, पांच हो गया। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की, तो यहां से भी आप देखेंगे कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और फिर त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज यहां पे दिया गया है। मैंने अभी बताया कि बड़े ट्रायंगल के अंदर जितने भी त्रिभुज आएंगे वो प्रत्येक अपने साथ कितने त्रिभुज लेके आएंगे भाई, चार त्रिभुज लेके आएंगे। तो बड़े वाला ट्रायंगल ये वाला है और इसके अंदर एक त्रिभुज और दो त्रिभुज कितने आए भाई, दो त्रिभुज इसके अंदर आए हैं। तो दो त्रिभुज जो आए हैं, जब प्रत्येक चार लेके आता है तो दो कितने लेके आएंगे भाई, चार दूनी आठ,
दो से गुणा कर देंगे, उसके बाद प्लस में क्या कर दिया जाए, जो एक बड़े वाला है वो, चार दुनी आठ और एक, कितना आंसर आ जाएगा भाई, नौ आंसर आ जाएगा। तो चार दुनी आठ तो ये हो गए अपने की भाई त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आए थे वो, प्लस में एक क्या हो गया बड़े वाला, यानी कि आठ प्लस एक बराबर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहां पे कितने आएंगे बच्चों, नौ आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए इसी का प्रकार है, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। अगर ये रेखाएं मैं यहां पर नहीं देता तो क्या आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि ये इसके जैसा आता और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 5 हम इजीली बता देते, लेकिन यहां पर इसको बांट दिया गया है इन रेखाओं के द्वारा, तो कुछ और ट्रायंगल्स यहां पे बन चुके हैं। जैसे ये वाला बन गया, ये 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 बन गया। अब इन सभी को काउंट करने से अच्छा है कि जब कभी भी इस प्रकार के ट्रायंगल्स आपको दिखाई दें, देखिए मान लीजिए कि मैंने इसको उठा लिया है यहां से कुछ इस प्रकार से, तो अगर मैं इस वाली आकृति को यहां से उठा लेता हूं और दो भागों में यदि काट देते हैं, तो क्या कुछ याद आया आपको, पहले वाला टाइप आ गया ट्रायंगल का कि भाई हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ए फिगर, जो भी गिवन फिगर आपको दिया गया है, जो भी दिया जाता है, उसमें कैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं, टाइप फर्स्ट पे आ जाइए। टाइप फर्स्ट जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, उसमें बताया था कि जब कभी भी एक बड़े त्रिभुज के आधार को समान भागों में या अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकालेंगे, काउंटिंग लिख के, एक दो, एक प्लस दो बराबर कितने आए भाई, तीन। यानी कि अगर मैं केवल और केवल स्टॉप की बात करूं तो यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए भाई, तीन। अगर इसकी बात करूं तो यहां पे भी तीन, और अगर इसकी बात करूं तो यहां पर भी कितने हो गए भाई, तीन हो गए। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए भाई, तीन हो गए यहां पर, क्लियर है। अब देखिए तीन इसके हो गए, तीन इसके हो गए, तीन इसके हो गए, यानी कि नौ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तो अपने हो चुके हैं फिक्स, ठीक है भाई। फिर उसके बाद एक बच गया अंदर वाला और एक बच गया बड़े वाला बाहर वाला, दो ये हो गए, यानी कि 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आए भाई यहां पे, टोटल 11, 11, क्लियर है बच्चों। तो यहां से देखिए मैंने दो रूल लगाए, एक तो ये कि जब भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आएगा तो चार अन्य त्रिभुज लेके आएगा, और दूसरा ये कि मैंने यहां पे पकड़ करी किसकी, कि भाई यहां पे तो फर्स्ट रूल लग रहा है। फर्स्ट रूल में क्या करते हैं, जब भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना होता है तो जितने आधारों में बांटा जाता है उस पे काउंटिंग लिख देंगे, काउंटिंग का ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड किया जो भी आएगा अपना राइट आंसर कहलाएगा, क्लियर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए इसमें भी सेम वही मेथड हो रहा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इजीली पूछता तो नो हो जाता, लेकिन यहां पे इसको बांट दिया है इसके आधारों को। तो जैसे ही आधारों को बांटा है, तीन यहां से हो गए, इस वाले की अगर बात करते हैं तो देखिए इस वाले की अगर बात करते हैं तीन हो गए, इसी प्रकार से तीन इस वाले के हो जाएंगे, इसी प्रकार से तीन इस वाले के हो जाएंगे, और यहां से अगर अब मैं बात करता हूं इस त्रिभुज की, तो यहां से तीन ये वाले हो गए, तीन ये वाले हो गए, और तीन ये वाले हो गए। देखिए बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको कि ये तीन तीन मैंने किस लिए लिखे हैं, मैंने एक आकृति इसको उठाया, फिर एक दो तीन ये वाली, फिर एक दो तीन ये वाली, फिर एक दो तीन ये, एक दो तीन ये, एक दो तीन बड़े वाला, ये हो गया, क्लियर है। यानी कि तीन कितनी बार आया, छह बार, छह तीय 18, 18 तो अपने ये हो चुके हैं बिल्कुल फिक्स, 18 प्लस उसके बाद एक ट्राइंगल, उसके बाद एक ये वाला ट्राइंगल, और उसके बाद एक ये बड़े वाला ट्राइंगल, 18 और 3 कितने हो गए भाई, 21। यानी कि यहां पर कुल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं वो कितने होंगे, 21, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको एक चीज सीखने को मिल गई होगी कि जब कभी भी किसी भी त्रिभुज के आधारों को बांटा जाता है अलग अलग भागों में, तो हमें उसमें काउंटिंग लिखनी है, और काउंटिंग लिखने के बाद में इसे कंटिन्यू करते हुए हमें उस काउंटिंग का क्या कर लेना है भाई, योग कर लेना है। और जैसे ही उस काउंटिंग का हम योग करेंगे, हमें इजीली प्राप्त हो जाएंगे कि भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां पर हमारा लगभग ट्रायंगल्स का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आप भी ट्राई करें और मेरे साथ साथ मेरे को आंसर भी बताएं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं आप इसका आंसर, मैं भी बता देता हूं आपको इसका राइट आंसर किस प्रकार से आएगा। देखिए बच्चों अगर मैं बात करता हूं केवल इतनी सी आकृति की,
तो क्या आप इसको इजीली बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था सिर्फ काउंटिंग करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। यहां से जैसे ही हमें प्राप्त हुआ मैक्सिमम नंबर कितना आया भाई, 8। अब मैं केवल इतनी सी आकृति की बात कर रहा हूं, ये जो यहां से लेकर और यहां तक की आकृति है ये पूरी है, ये जो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है या आयत कह दें आप इसको, ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, सिर्फ मैं इस चतुर्भुज की बात कर रहा हूं। इस चतुर्भुज में मेरे को कितने ट्रायंगल्स अपीयरेंस दिखा रहे हैं, 8। तो ये जो 8 ट्रायंगल अपीयरेंस दिखा रहे हैं, तो मैं क्या करूं भाई, इसमें 8 × 2 = 16 तो फिक्स हो गए अपने भाई, ठीक है। जैसे ही 16 ट्रायंगल्स आए आप इजीली इसको बता सकते कि हाँ सर इसका तो पता चल गया हमें 16 आ गए, क्योंकि ये हमने टाइप सेकंड में पढ़ाया था आपको, पिछली क्लास में ये पढ़ाया था कि जब कभी भी एक वर्ग को या चतुर्भुज को कुछ ट्रायंगल्स में बांटा जाता है तो उसमें दिखने वाले ट्रायंगल्स की नंबरिंग कर देते हैं और उस नंबरिंग का जो मैक्सिमम नंबर होता है, 1 से स्टार्ट करते हैं नंबर, नेचुरल नंबर्स की नंबरिंग करते हैं, ये समझ लीजिए आप एन प्राकृत संख्याओं की, तो जहां से वो स्टार्ट होता है और फिर जो एंड होता है, एंड जितने पर भी होता है मैक्सिमम नंबर का डबल यहां पर कर दिया जाता है और अपना राइट आंसर आ जाता है। तो 16 तो ये हो गए, लेकिन इसमें तो ये आकृति भी जुड़ी हुई है, तो जैसे ही ये आकृति जुड़ी हुई है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि भाई ये आकृति अगर आती है तो हमें क्या करना है भाई, अब मैंने देखा ये टाइप 1 पे फिर से आ गया, 2 आधारों में बांटा गया, 1 आधार और 2 आधार दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 + 2 = 3 ये हो गए, हो गए कि नहीं, क्लियर है भाई। अब हम बात करते हैं कि भाई यदि इस आकृति को और इस आकृति को दोनों को मिला दिया जाए, दोनों का मैचअप करवा दिया जाए, तो यहां पे अगर इन दोनों को मिलवाते हैं तो हमारे पास कुछ हिडन ट्रायंगल्स प्राप्त होते हैं या नहीं, इस चीज का भी ध्यान रखना है। देखिए बच्चों यहां पे एक तो ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा इन दोनों के मिलने से, जिसे हमने काउंट नहीं किया, और एक ये दिख रहा होगा, यानी कि 2 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पे प्लस में क्या कर दिया जाएगा भाई, 2 और कर दिया जाएगा, तो टोटल कितने हो गए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि यहां पर जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आएंगे वो टोटल कितने होंगे भाई, 21, यानी कि 21, क्लियर है बच्चों। तो ध्यान रखना आकृतियां चाहे जैसी भी आए लेकिन रूल्स इनमें यही लगेंगे, ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि रूल नंबर 1 लगेगा या 2 लगेगा या 4 लगेगा या 5 लगेगा, जो भी रूल आपका लगता है आप उसको आकृति को हिस्सों में बांट लीजिए, हिस्सों में डिवाइड करने के पश्चात आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इनको गिनने लगेंगे तो 100% कंफ्यूज होंगे, ठीक है, हो सकता है गिनने कोई बड़ा इशू नहीं है, गिनना भी 21 तक है ठीक है गिन लिया, लेकिन कई कई में तो 56 भी आती है, 60 भी आ जाती है, तो उनको काउंट करने में थोड़ी सी समस्या होती है। प्लस में जो हम मेन बात करते हैं समय की, वो सबसे ज्यादा लगता है, तो समय अगर ज्यादा लग रहा है तो सिंपल सी बात है इससे अच्छा है कि उस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया जाए भाई। जो क्वेश्चन हमने मान लीजिए 5 मिनट दे दिए 7 ट्रायंगल गिनने में और हमने ये भी मान लिया कि आपका ठीक हो गया वो क्वेश्चन, तो हम तो यही कहेंगे आपको कि भाई अगर उस क्वेश्चन को 5 मिनट देते हो तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो और छूट जाएंगे, यानी कि आप तो 5, 7, 10 क्वेश्चन पीछे चले जाओगे। जिस बच्चे को ट्रिक आती है वो उसको देखते ही सोल्व करेगा, जिस बच्चे को ट्रिक नहीं आती है वो इसमें टाइम लगाएगा। तो मान लीजिए दोनों बच्चे बराबर चल रहे थे अब तक इस क्वेश्चन तक, जैसे ही क्वेश्चन आया एक को ट्रिक आती है एक को नहीं आती है, तो जिसको ट्रिक आती है वो बच्चा तो इजीली आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जिसको ट्रिक नहीं आती है वो बच्चा 5 मिनट पीछे हो जाएगा। अब 5 मिनट पीछे होने का मतलब है कि कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं आप, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे उनकी काउंटिंग लास्ट में तो जब करेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, हो सकता है वो क्वेश्चन भी रह जाएं जो आपको बहुत अच्छे से आते थे और जिनका आप इजीली आंसर भी दे सकते थे, ठीक है, आप उसका देखते ही आंसर भी दे सकते थे, 1-2 सेकंड में आंसर दे, वो क्वेश्चन रह जाएंगे क्योंकि आप उसे पढ़ ही नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए, समय व्यर्थ हो गया था इस वजह से, क्लियर है बच्चों। तो इस वजह से हम आपको ये मेथड्स बता रहे हैं। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, ये मैं मेरी प्रत्येक क्लास में ये क्वेश्चन जरूर करवाता हूं क्योंकि ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, एसएससी इसको काफी बार रिपीट कर चुकी है, दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2012 हेड कांस्टेबल हुआ उसमें भी आ चुका है,
काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और भी काफी एग्जाम्स में ये आ चुका है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। इसमें देखिए अगर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालें तो देखिए बच्चों हम पार्ट वाइज बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूं केवल इस वाले हिस्से की तो क्या आप इसको इजीली बता सकते हैं? देखिए मैंने इस हिस्से को ऐसे निकाल लिया कि भाई सर ने ये निकाल लिया, अब बताएं इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं? आप इजीली बताएंगे सर रूल नंबर ए के अकॉर्डिंग दो आधारों में बांटा गया, एक प्लस दो कर देंगे तो तीन आएगा, इसका मतलब यहां से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ गए अपने, तीन आ गए। इसी प्रकार से मैं इस हिस्से की भी बात कर लेता हूं और इस हिस्से में भी भाई उसी प्रकार से कितने आएंगे, तीन आ जाएंगे। और इसी प्रकार से ये वाला हिस्सा भी कितने को कवर करेगा, तीन को। देखिए ये वाला यहां से ये और ये और ये वाला तीन आ गए, ठीक है भाई। तीन 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 जैसे ही आए अपने हम इजीली बता सकते हैं कि सर ये नौ तो फिक्स हो चुके हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं देखिए क्या नौ के अलावा भी कुछ हो रहा है, बिल्कुल है। यहां से अगर बात करते हैं नौ के अलावा की तो इसमें अगर मैं बड़े ट्राइंगल को उठा लेता हूं, अभी तक तो मैंने छोटे को उठाया था, अब हम उठाते हैं बड़े ट्राइंगल को। तो देखिए बड़े ट्राइंगल में भी वो का वो रूल लगेगा, ये उठाया फिर से एक दो और तीन, यानी कि टोटल एक प्लस दो कितने हो गए भाई, तीन। क्लियर है? तो अब तीन तो हो गए यहां पे। अब अगर मैं इतने हिस्से को उठाता हूं इसको इस प्रकार से तो ये तो तीन हो गए, ठीक है भाई बड़े वाले में। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इस वाले में भी देखिए तीन हो गए और इस वाले हिस्से में भी कितने हो गए भाई, तीन हो गए। तीनों तरफ से तीन तीन हो गए। लेकिन एक चीज आपने देखी कि ये बड़े वाला जो ट्रायंगल है वो सब में क्या आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है। बड़े वाला ट्रायंगल सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इस वजह से हम काउंट करेंगे इसके भी दो और इसके भी दो काउंट करेंगे। लास्ट में बड़े वाला एक बार ही जोड़ना है। देखिए जो एक बार गिन चुके उसको दोबारा नहीं गिनना है, यही तो है खेल इसका, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का। तो यहां पे दो ये हो गए। तो अब मैं इजीली बता सकता हूं कि यहां पे टोटल कितने हैं, तीन तीन छह और तीन नौ, प्लस दो दो चार और दो छह, प्लस में एक, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आए, नौ छह पंद्रह और एक सोलह। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा भाई, 16। तो यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो आएंगे बच्चों कितने आएंगे, 16, यानी कि 16। क्लियर है? अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में आपको एक स्टार दिखाई दे रहा है। जब कभी भी स्टार एक बार पेन की निब उठाए बिना बनाया जाता है, यानी कि पेन की निब को उठाना नहीं है हमें और हम इजीली इसको बना देते कि भाई ये बना दिया सर ये लो, ठीक है। तो जैसे ही इस प्रकार के स्टार बनते हैं इसे बोलते हैं हम फाइव पॉइंटेड स्टार। क्या बोलते हैं भाई, फाइव पॉइंटेड, POINTED पॉइंटेड स्टार, फाइव पॉइंटेड स्टार। तो जब कभी भी आपको फाइव पॉइंटेड स्टार दिखाई देता है और उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछता है तो इसका आंसर ऑलवेज आएगा 5 × 10। कितना आएगा भाई नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, टोटल कितना आएगा, 10। ये फिक्स होता है, आपको फाइव पॉइंटेड स्टार की आकृति वो बदल नहीं सकता है, स्टार तो जैसे बनेगा वैसे ही बनेगा भाई। तो हमेशा जब कभी भी आपको फाइव पॉइंटेड स्टार दिखाई देता है तो आप उसका इजीली आंसर दे सकते हैं 5 × 10, क्योंकि हमने पेन की निब उठाए बिना इसको बनाया। और जब कभी भी निब उठाए बिना बनाते, एक दो तीन चार और पांच, मैंने गिने पांच, हमें ट्राइंगल जो मेन दिखाई दे रहे उनको गिन लीजिए पांच, और पांच का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 × 10। तो यहां पे जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आता है कितना आएगा भाई, 5 × 10, यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या फाइव पॉइंटेड स्टार में ऑलवेज कितनी होती है भाई, 10। क्लियर है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है अब की बार आपको दे दिया है बच्चों सिक्स पॉइंटेड स्टार। देखिए एक दो तीन चार पांच छह, ये हो गया भाई सिक्स पॉइंटेड स्टार। तो जब कभी भी सिक्स पॉइंटेड स्टार दिखाई दे आपको तो उस केस में देखिए छह तो है ही अपने पास, प्लस में एक ये बड़े वाला और एक ये बड़े वाला, छह प्लस दो बराबर कितने हो गए भाई, 8। यानी कि फाइव पॉइंटेड स्टार में ऑलवेज 10 और सिक्स पॉइंटेड स्टार में ऑलवेज कितने होते भाई, 8। छह तो जो आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो, और उसके बाद एक ये बड़े वाला और एक ये बड़े वाला, यानी कि टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें निकालने हैं तो यह भी बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है इसमें। देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो इस प्रश्न में हमें दिखाई दे रहे हैं रूल नंबर एक और रूल नंबर दो के अकॉर्डिंग जो हमने सोल्व किए थे कि भाई अगर मैं बात करूं एक दो तीन चार, तो चार एक दो तीन चार चार, ठीक है भाई।
तो यहां से एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, ये कर दिए भाई, यानी कि चार दुनी आठ तो इसके फिक्स हो गए, चार दुनी आठ इसके फिक्स हो गए। और देखिए एक और दो, दो रे कितने होंगे तीन, और फिर ये एक और दो तीन, तो यानी कि तीन इसके फिक्स हो गए और तीन इसके फिक्स हो गए। आठ दुनी सोलह, ये यहां पर हम काउंट करेंगे इसको, तो कितना आएगा देखिए यहां पे लिख देते हैं, आठ प्लस आठ प्लस तीन प्लस तीन, आठ दुनी सोलह, सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस, यानी कि बाईस तो जो है वो अपने कंफर्म हो चुके हैं। यहां पर कितने हो चुके हैं भाई, बाईस तो यहां पर कंफर्म हो चुके हैं। उसके बाद देखिए एक मीटिंग पॉइंट का ये वाला, एक मीटिंग पॉइंट का ये वाला, कितने हो गए भाई दो और काउंट हो गए, 22 और दो कितने हो गए भाई 24 हो गए। उसके बाद क्या इन दोनों आकृतियों को मिलाने से, देखिए ये दो मीटिंग पॉइंट लिए थे हमने ऊपर वाली और नीचे वाले बॉक्स को मिलाने से, तो जब ये बॉक्स मिला तब तो हमें मिले दो ट्राइंगल। एक तो यहां से अगर मैं बात करता हूं इन दोनों के मिलने से, तो यहां से ये वाला मिलता है और फिर ये वाला ट्राइंगल बनता है, तो इनको हम कह सकते हैं कि भाई दो मीटिंग पॉइंट की वजह से अपने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकल रहे थे यहां पे, ठीक है मिल गए। उसके बाद इन दोनों आकृतियों के, ये त्रिभुज और ये वर्ग, ये त्रिभुज और ये वर्ग को मिलाने से देखिए यहां पे एक, और ऐसे ही ये वाला हो जाएगा दूसरा दो, और फिर ये तीन, और फिर ये एक नीचे वाला चार, चार नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ये वाले हो जाएंगे, तो प्लस क्या कर दे भाई चार कर दें। आठ दूनी सोलह, सोलह और छह बाईस, बाईस और दो चौबीस, चौबीस और चार अट्ठाईस, तो यहां पे जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आएंगे बच्चों कितने आएंगे अट्ठाईस। इस प्रकार से हम लोगों को जितने भी क्वेश्चन आएंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड, उनको कैसे सोल्व करना है वो लगभग सारे टाइप हम कर चुके हैं। क्वेश्चंस की पीडीएफ जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करके देखना, उनका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कमेंट्स आने पर, कि जब आप हमें मैक्सिमम कमेंट्स करेंगे कि सर इसका आंसर यह है, इसका आंसर यह है, तब हमें लगेगा कि हाँ बच्चे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उस समय यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो हम इजिली कह पाएंगे कि हाँ भाई बच्चों ठीक है अब इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। उसमें चाहे हमारा कितना भी समय लगे, एक क्लास चाहे एक्स्ट्रा बनानी पड़े, हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में से जो पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे उसकी आप प्रैक्टिस करें ध्यान से एकदम। जो भी मेथड्स आपको बताए, इन मेथड्स वाले क्वेश्चन देंगे, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से भी निकाल के कुछ क्वेश्चंस देंगे, उनको आप सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों।